एक्चुअली ये कुछ खास नहीं है बट मेरे मामा खास नहीं खास है बोलिए रोल वापस चल सब रोल खास है आपके लिए कंटिन्यू प्रोजेक्ट है आपका एक्चुअली ये मेरा खास प्रोजेक्ट है और मेरा पहला प्रोजेक्ट है लाइफ का सो आई एम सो हैप्पी एंड बताओ आप नहीं पहले अपना नाम थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए माय सेल्फ अंशुमन राठौर आई एम 20 ईयर ओल्ड माय हाइट 5 फुट 9 इंच पहले आपसे पूछ लो अंशुमन जी कहां के रहने वाले हैं आप और इंडस्ट्री में कैसे हां आई एम फ्रॉम बिहार एंड औरंगाबाद और क्या फर्स्ट आप डेब्यू कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में फर्स्ट डेब्यू है मेरा इससे पहले क्या क्या करते थे कुछ किया थिएटर इससे पहले पढ़ाई किया थिएटर किया अच्छा और ऐसे ही फिर फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा तो बहुत चैलेंजिंग होता है कोई प्रोजेक्ट में काम करना है मिलना है आपके लिए कितना चैलेंज रहा मतलब कितना चुनौती या रहा बट इसमें ज्यादा हेल्प मेरे मामा जी मिस्टर अनिल सर की है अच्छा या तो मेहनत करता हूँ स्ट्रगल भी थोड़ा करना पड़ता है और आज के दौर में कौन से एक्टर को लाइक करते हैं सबसे ज्यादा एक्चुअली लाइक तो मैं सबको करता हूँ बट माय फेवरेट है टाइगर श्रॉफ क्यों बिकॉज उनका जो एक्शन और ये डांसिंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो एक्टर के तौर पे क्या आपको लगता है कि आपने क्या ऐसी खूबी है जो आप अपने को साबित कर सकते हैं खूबी तो बहुत है बट वो तो दिखेगा कैमरे में अच्छा और किस तरह का रोल करना चाहेंगे मैं लीड रोल करना चाहूंगा इमोशनल कॉमेडी नहीं हल्का फुल्का एक्शन रोल मुझे ज्यादा पसंद है इमोशनल भी पसंद है रोमांटिक भी पसंद है मुझे मेरा नाम रूबी परिहार है और मैं ये सॉन्ग कर रही हूँ इस प्रोडक्शन के साथ सो आई एम हैप्पी अबाउट इट तो रूबी जी पहला प्रोजेक्ट है आपका पहले भी आपने काम किया हाँ मैंने पहले काम किया हुआ है लाइक मैंने साउथ में मूवीज की हुई है एंड टीवी कमर्शियल्स करे हैं एंड कैटलॉग शूट प्रिंट मीडिया में मैंने काम किया हुआ है और म्यूजिक वीडियो भी मैंने एक दो किए हैं बट इनके साथ मेरा फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है तो आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड इस ये टीम के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्टिंग लाइन में कैसे हुआ कैसे प्रिपेयर किया अपने आपको आपने एक्टिंग लाइन में लाइक मैं बहुत टाइम से हूँ बट अभी तक मुझे बॉलीवुड में कोई ब्रेक नहीं मिला है मैं उसी के लिए वेट कर रही हूँ कुछ अच्छे ब्रेक के लिए और कहाँ की रहने वाली हैं आप कहाँ मैं उत्तराखंड से हूँ अच्छा अपने यूएसपी क्या मानते हैं अपनी पर्सनैलिटी की कुछ खास आपकी पर्सनैलिटी में लाइक उसका आपकी आईज आपको लगता है कि कुछ ऐसा लोग बोलते हैं वो आपको यूएसपी है तो आगे कुछ क्या करना चाहती कैसे रोल करना चाहती हैं किस तरह के गाने में चाहती हैं लाइक आई वांट टू प्ले लीड इन रोमांटिक काइंड ऑफ फिल्म मुझे ज्यादा पसंद है तो उस तरह से मैं करना चाहूंगी रोमांटिक पर इस एल्बम के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो काफी मतलब जैसे बातें किस्म का है मतलब रोमांटिक एल्बम हां इट्स अ रोमांटिक एल्बम और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है तो आई होप कि लोगों को बहुत पसंद आए और सबकी प्लेलिस्ट में एक कमिंग सून नंबर रहेगा और काफी डेडिकेटेड टू हिज वर्क है और हार्ड वर्किंग है तो आई विश कि काफी आगे जाए चल रोल अच्छा नहीं लगता है रोल सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना आप बताइए कि क्या करना चाहेंगे ये जो गाना है मतलब बहुत डेप्थ है आपकी आवाज में और क्या करना चाहेंगे कैसा अनुभव था अभी साउंड रिकॉर्डिंग के दौरान इस गाने में अनुभव पूरा फील है सोच लिए कि मेलोडी है और अनिल जी ने काफी इस गाने में मेहनत किया है और काफी दिन से मुझे गाना बताया कैसा ऐसा गाना है तो सुना है मेरा बहुत अच्छा मेरी रेंज के लिए है इसके लिए अच्छा था और ये गाना सोचिए कि एक तरह से मैंने टच है मेलोडी सूफियाना टच है क्या कहना चाहेंगे बहुत सारे गायक हैं जो मतलब इस तरह के गाने गाते हैं किससे आप प्रभावित हुए और प्रेरित हुए हैं अभी तक मैं बचपन से ही गाते आ रहा हूं अच्छा हां मैं लता जी को बहुत ज्यादा गाता हूं अच्छा मेल सिंगर में ऐसे कौन है जिससे आप प्रेरणा लिए मैं लता जी के ही मानता ज्यादा था अच्छा लता जी को मानते हैं हां तो क्या सिचुएशन है इस गाने की और क्या कहना चाहेंगे इनसे जुड़े लोगों की जो प्रोड्यूस किए हैं म्यूजिक डायरेक्टर और सब आजकल के यंगस्टर होता है प्यार में धोखा खाते हैं तो वही सोचिए कि मेलोडी है कुछ होता है ऐसा मतलब सस्पेंस में चलता रहता है अच्छा म्यूजिक एल्बम के बारे में जानना चाहूंगा कि आज के दौर में जो मतलब है म्यूजिक एल्बम का मार्केट 90s में बहुत फेमस हुआ करता था जो भी गाने थे लेकिन फिर भी दौर अभी म्यूजिक ही आ गया म्यूजिक एल्बम ज्यादा चल रहा है फिल्में गाना देखिए रिमिक्स ज्यादा चल रहा है गाना एल्बम ही चल रहा है इस समय अगर फ्रेश लाने होता है तो क्या सोचते हैं कितना ज्यादा चैलेंज होगा इस एल्बम को हिट कराना या इस एल्बम को लाना
एल्बम तो चलने वाली है, ऐसे चलिए, ऐसे गाने चलते हैं, मेलोडी हमेशा ही रहता है, एवरग्रीन। और थोड़ा परिचय करा दीजिए अपने, कहाँ शुरू हो गया, जो अभी जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। काफ़ी लोग, अनिल जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर विनोद जी हैं, और अंशुमन जी हैं, रूबी जी हैं, मैंने काफ़ी गाना गाया, आपको तो पता ही होगा, टी सीरीज के लिए काफ़ी गाया, बाबा ब्लैक सीरीज भी आई थी, मैंने अपन फिर मेरे स्पॉट के लिए। अभी विकास सक्सेना जी राजस्थान से आए हुए हैं, बैठे हैं पीछे, लेकिन अभी आने वाले आगे, उसका मैंने सफर गाया, वो इसी महीने में लॉन्च होने वाली है। अच्छा, गायक हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में गायक लोग को जो होता है, सबसे बड़ा चुनौती क्या हो गया? काफी ज्यादा, मतलब अपॉर्चुनिटी तो है, मौका तो है, लेकिन गायक भी काफी सारे आए हैं। होता क्या है कि एक अलग आवाज होना बहुत जरूरी है, जैसे पहले था रफी साहब, किशोर कुमार, उसके बाद उदित नारायण, अलका, मतलब कुमार सानू, तो जब गाते लगता है कुमार सानू, आजकल क्या एक ही जैसा सब गाते हैं, अरिजीत के गा रहा तो उसी तरह गा रहे, तो इसमें सिंगर को मालूम नहीं पड़ता है कि कौन क्या किसका आवाज है। तो कितने सालों का ये संघर्ष का सफर रहा है अभी तक, मतलब कितने सालों से मुंबई में, और मैं मुंबई में 2002 में। अच्छा, और उस समय से सफर, उस समय से मैं काम करते रहा, टी सीरीज में भी गाया, धीरे धीरे करते रहे। तो अभी किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, फिल्म प्रोजेक्ट ज्यादा ध्यान देंगे, एल्बम, फिल्म में भी आ रही है, क्यों लगते हैं अपने? अच्छा, वो उससे अनिल जी मुझे गवाया था उसमें, इसी महीने वाले एंड तक। अनिल जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे सपन जी के बारे में, मतलब बहुत ही दमदार आवाज है सर, कैमरा लुकिए प्लीज, सपन जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा से, यानी करीब 15-18 साल से मैं जानता हूँ, इतना मेहनत करते हैं, इतना रियाज करते हैं सर यहाँ, कि आज आज के जो भी सिंगर हैं उनसे मैं इनको हट के मानता हूँ। आज ये बात इन्होंने भी बताया कि आज जो भी सिंगर हैं सब एक जैसा लगते हैं, तो मैं तो इसे मैं बहुत गवा चुका हूँ, पुलिस जी, खसानो जी, लगभग सब सिंगर को गवाया हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ 5-7 साल के अंदर जो लग रहा है, अरिजीत सिंह आ रहे हैं तो सब अरिजीत सिंह जैसे ही गा रहे हैं, सब अच्छे सिंगर, सब सीखे हुए हैं, लेकिन टाइप ऑफ सिंगिंग जो है वो सब एक जैसा गाते हैं। तो इस एल्बम के लिए जो हमको आवाज़ चाहिए था, सपन जी को मैंने चूज किया, इनकी आवाज़ बहुत डिफरेंस है, बहुत डेप्थ है, बहुत दर्द है, रेंज है, इसलिए मैं इनको गवाया। सपन जी के अपोजिट जो फीमेल सिंगर हैं उनके अनुभव बताइए, वो कौन है? हैं तो नहीं, लेकिन बहुत भी शो, बड़े बड़े शो करते हैं, उनके भी फिल्में भी दो गाने गाए हैं, एल्बम भी उनके भी आए हैं। तो क्या प्लानिंग है इस एल्बम को लेकर, कब तक आएगी, मतलब कहाँ पे? इस गाने में हमारे सब म्यूजिक कंपनी, बड़ी कंपनी रिलीज हो चुका है, वेनस, टी सीरीज, सेमारू जी, सब में रिलीज हो चुका है। तो ये भी अभी सब तो मांग रहे हैं, देखे इसको देते हैं, सेमारू ही मांग रहे हैं, मुझे दीजिए, वेनस में भी बात हो रही है। तो आपको लगता है आज के दौर में थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हुआ है, और बहुत अच्छा, अच्छा दौर आया, बहुत अच्छा दौर आया, अभी अभी ऐसा होगा कि कुछ दिनों में फिल्में बहुत कम हो जाएंगे, बनेंगे गिने चुने लोग बनेंगे, लेकिन जितने भी संगीत का जो ग्रेड है ये एल्बम के थ्रू बहुत ऊपर जाएगा। सर आपसे निर्माण कर रहे हैं इस एल्बम का, क्या कहना चाहेंगे, और जो कास्ट में आपने लिया है आपके ही शायद रिश्ते में लगते हैं? जी हाँ, ये मतलब ऐसा है कि मैं, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो मैं इनसे गाइडेंस लेते रहता हूँ एज ए प्रोड्यूसर। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने देखा है रूबी के बारे में काफ़ी मुझे पता है, और अंशुमन राठौर जो है वो बहुत ही यंग एंड डायनामिक हैं, और इनके बारे में तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे सिंगर है, एक अलग वॉइस है इनका, तो मुझे लगा कि बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, बहुत ही अच्छा टीम है, और इसके साथ मैं मेरा इच्छा हुआ कि इनके साथ कुछ काम करना चाहिए। सो मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिरिक्स भी देखा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है, और मैं इन ये टीम के साथ आगे भी जाना चाहूँगा। तो क्या पहला अनुभव है आपका म्यूजिकल? जी हाँ, ये मेरा पहला अनुभव है, और बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है, और होप कि ये एल्बम सक्सेस हो। अनीस खान, और मैं, मेरे गुरु थे जय बोराड़े, जिनके साथ मैंने म्यूजिक वीडियो फिल्में किया, मैंने प्यार किया बागी, सनम बेवफा, सूर्यवंशी, हम आपके कौन, पत्थर के फूल, एक लड़का एक लड़की, और काफी सारे। उसके बाद मैंने एज एन अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ कोरियोग्राफर, अब काम तो काफ़ी कर लिया मैंने। इस म्यूजिक वीडियो के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये हाईली रोमांटिक है, एक पहाड़ी ट्यून है, एक धुन है,
जिस तरीके से सपन जी ने उसको सोचा है, गाया है, और जो म्यूजिक देने जा रहे हैं अनिल जी, तो मैं समझता हूँ ऐसी चीजें मतलब काफी सालों के बाद वापस आ रही है, है ना, राम तेरी गंगा मेले के बाद, समझो है ना। अब वो कटिंग, ये वो रैपिंग, ये सब तो एक आम हो गया है ना, उसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कौन सी। अभी मैं रिसेंटली अभी मैं एडिट करके आ रहा हूँ फिल्म को, अभी आ ही रहा हूँ इसे, जो फिल्म में रिलीज हो रही शुभ रात्रि, तो ठहराव कहाँ पर है, तो अभी मुझे लगा ठहराव यहाँ से स्टार्ट होगा फिर वापस। तो यहाँ पर गाने में ठहराव है, रोमांटिक है, और वो जो तलफ़ुस होना चाहिए है ना, वो जो म्यूज़िक का जो लहजा होना चाहिए, और जो सिंगर का की क्वालिटी, क्योंकि सिंगर गा रहा है तो पता चल रहा है कि म्यूज़िक और सिंगर दोनों ओवरलैप हो रहे, साथ में मैच हो रहे, वो नहीं होना चाहिए। सिंगर म्यूज़िक, अब ये म्यूज़िक और ये सिंगर है, वो चीज़ चल रही है। तो वो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इसमें शायद काफ़ी सारी तब्दीलियाँ यहाँ इस म्यूज़िक वीडियो से आ जाएगी, जिसका म्यूज़िक दे रहे हैं मिस्टर अनिल सिंह साहब और सपन कुमार जी। तो जैसा आपने बताया कि मतलब ये जो आराम तेरी गंगा मैली से तुलना किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ी बात है, तो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन काफी सारे जो गाने होते हैं आज के दौर में बहुत ही मतलब आपको लगता है कि बड़ी बार देखने योग्य नहीं होते, उसके क्या कहना चाहेंगे? देखने योग्य की बात नहीं है, क्या है कि हमको तो देखना ही पड़ता है, हमको तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एक तरीके से हमारी ग्लैमर लाइन है, ग्लैमर वर्ल्ड है, तो हमको तो चलना है उसी तरीके से, उतराव चढ़ाव मतलब अप डाउन तो आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मतलब मुझे जो चीज़ अभी फिलहाल जो गाना मेरे हाथ में आया है, ठीक है, मतलब मुझे एक अलग गाना मिला, पहाड़ी गाना मिला है ना, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि नॉर्मली ये भी वही रैप होगा, तो वैसे ही बहुत लोगों ने रैप किया, बहुत लोगों ने रिमिक्स किया, और आजकल रिमिक्स को जो टोन आ गया है, जो था और चल रहा है, मतलब जो ओरिजिनलिटी जो वो ख़त्म हो गई है ना। तो अब ये सोलो चीज़ जो भी मैं काफ़ी सालों के बाद सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जैसे मेरे गुरु के साथ जब मैंने काम किया तो सारे जीनियस लोग हैं, सारे अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, आज के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली जो मैं देख रहा हूँ अभी, जो मुझे फ्रेश चीज़ मिल रही है अभी, जिसको मैं एज ए डायरेक्ट और कोरियोग्राफ करूँगा, और ये अनिल जी और सबन जी ने मुझे काफ़ी इसके लिए मतलब अप्रोच किया, तो आई थिंक सो आई शुड थैंक बोथ ऑफ देम एंड एंटायर यूनिट। और इसमें जो कास्ट में मेन लीड और एक्टर एक्ट्रेस, उनके बारे में बताइए। और उनके बारे में तो ये बताऊँ, रूबी मेरी स्टूडेंट ही है, ओके परिहार, रूबी और बहुत अच्छी है, वेरी इनोसेंट और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। रास और अंशुमन तो फिलहाल वो भी ट्रेनिंग पर है, और मेरे हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और डाउन टू अर्थ है दोनों भी, और दोनों करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, एक पंजाबी सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, और अनिल जी ने मुझे याद किया है, तो पहली बार मैंने संपत जी के साथ में ये डुएट सॉन्ग गाया है, और आई होप बहुत ही हिट होने वाला है ये सॉन्ग, क्योंकि इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आई होप फॉर द बेस्ट। तो क्या खास नजर आई एल्बम में? जो वर्डिंग्स है बहुत ही मजेदार, बड़ा गाना है, रोमांटिक गाना है, क्या खास नजर आई? फर्स्ट लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, और म्यूजिक अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, अनिल जी ने बहुत ही अच्छी कंपोजिशन दी है हमको, तो होप अच्छा ही होगा। तो आपका ये पहला अनुभव है, पहले क्या किया, मतलब बैकग्राउंड क्या आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग्स किए हैं और शोज भी करती हूँ, बट ये बेस्ट था मेरे लिए। ये तो बहुत ही, इनकी रेंज आप देखेंगे तो बहुत ही हाई है, और आज के टाइम पे इतनी रेंज होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? म्यूजिक बहुत अच्छी गाई है, क्योंकि जो चाहिए वॉइस क्वालिटी अच्छा, मतलब मेलोडी बहुत अच्छी है। सर कैमरा लो, मैं चाहता हूँ किसी तरह आप गाते रहिए, दिल नहीं हो लगता, दिल नहीं हो लगता। गौतम जी आप